रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हालांकि अब तो मेंस और एडवांस का सिलेबस सेम ही हो गया है तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है तो यहां पर रैंडम वेरिएबल अब ये क्या होता है रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन टू टाइम्स इन सक्सेशन इज दिस थिंग रैंडम वेरिएबल क्या होता है देखिए रैंडम वेरिएबल को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल किसी एक ही एक्सपेरिमेंट में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है जैसे कि सैंपल स्पेस है और इसमें रैंडम वेरिएबल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ हेड्स ये है रैंडम वेरिएबल, जिसको जनरली कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एक्स है हो सकता है रैंडम वेरिएबल हो जाए नंबर ऑफ हेड हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स कुछ भी हो सकता है तो इफ एक्स उटकम देन एक्स का क्या मीनिंग है नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ हेड्स तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने टू देर फॉर एक्स एच एच इज इक्वल टू टू एच एक्स एच कॉमर टी वो क्या है वन है भाई एच टी में कितने हेड है वन तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू यहां वन हुआ यहां पर भी वन हुआ और यहां पर जीरो हो गया तो ये है रैंडम वेरिएबल अब मोर देन वन रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस जैसा कि आपको बताया गया फॉर फॉर एग्जाम्पल लेट वाई डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स फॉर ईच आउटकम ऑफ दी अब सैंपल स्पेस उसी सैंपल स्पेस में जो दो क्वाइन को टॉस करने पर अभी हमने देखा था उसमें अब रेंडम वेरिएबल नया वेरिएबल जिसको से डिनोट किया है और वो क्या बताया नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ नंबर ऑफ टेल्स तो फिर अब यहां पर इसका वैल्यू क्या आएगा टू आएगा क्योंकि नंबर ऑफ हेड यहां पर टू है नंबर ऑफ टेल्स जीरो टू माइनस जीरो टू यहां पर क्या आएगा जीरो वन माइनस वन जीरो यहां भी वन माइनस वन जीरो और यहां जीरो माइनस टू माइनस टू मिल गया तो रेंडम वेरिएबल को इनफाइनाइट तरीके से हम डिफाइन uh, कर सकते हैं किसी एक ही एक्सपेरिमेंट के लिए सो so, ये अभी हमने डिस्कस किया है अब आते हैं रैंडम वेरिएबल के बाद में प्रोबेबिलिटी uh, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटीज आएंगी उनका अगर हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करें तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है जैसे मान लीजिए कि कोई रैंडम वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल एक्स है और उसके करस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं तो अब यहां पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल एक्स वन है उसके करस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी पी वन है एक्स टू के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी टू आ रहा है और रैंडम वेरिएबल एक्स एन के करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल एक्स का जो एक एलिमेंट है एक्स एन उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है पी एन तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है अब जैसे ये क्वेश्चन है इफ टू डाइस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस तो यहां पर जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो क्या होगा नंबर ऑफ सिक्स जीरो हो सकता है या वन या टू तो यहां जो रेंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो बेसिकली क्या है रैंडम वेरिएबल है एक्स तो जीरो वन और टू इसके करस्पॉन्डिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो दो डाइस को रोल किया है और उस पर नंबर ऑफ सिक्स जीरो आए मतलब एक पर भी जीरो पर भी सिक्स एक डाइस पर भी सिक्स नहीं आए ये हमें बताना है तो भाई डाइस पर जो है one, two, कितना हो सकता है one, two, three, four, five, six, कुछ भी आ सकता है लेकिन उसमें से सिक्स नहीं आना चाहिए सो देर आर फाइव चॉइसेस और वापस से फाइव चॉइसेस रहेंगी सेकेंड टाइम के लिए भी तो जब हम फेवरेबल केसेस देखेंगे तो वो ट्वेंटी फाइव होगा क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव इनमें से कुछ भी आए और जब टू डाइस जब पहली डाइस पर इनमें से कुछ भी नंबर आ रहा है तब दूसरे पर भी इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है हालांकि ये तो एलिमेंट्री क्वेश्चन हो गया अः परमिटेशन कॉम्बिनेशन का तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं ये बहुत आसान सी बात है तो फेवरेबल केस कितने बने इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि डाइस पर दो डाइस को रोल किया है और एक पर भी सिक्स नहीं आए इसके फेवरेबल केस कितने होंगे ट्वेंटी फाइव ठीक है और टोटल केस थर्टी सिक्स तो ये हमारा आंसर हो गया ये एक्स जीरो के करस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी आए अब एक पर जो है सिक्स आए टू डाइस आर रोल्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस तो एक सिक्स आए यू है तो अब मान लीजिए कि पहली डाइस पर सिक्स आए तो दूसरी पर क्या आ सकता है दूसरी पर एग्जैक्टली वन सिक्स आना चाहिए ठीक है तो दूसरी पर वन टू फाइव में कुछ भी आ सकता है ठीक तो अब जैसे कि सिक्स कॉमा वन सिक्स कॉमा टू से लेकर के सिक्स सिक्स कॉमा फाइव तक जाएंगे हम तो ये फाइव चॉइसेस है इसके अलावा और कुछ नहीं होगा अब हो सकता है कि वो जो सिक्स आया वो दूसरी वाली पर आया हो तो अब ये होगा टोटल केसेस कितने मिले टेन तो ये हो जाएगा टेन बाय थर्टी सिक्स और फिर जब हम इस पर आते हैं टू सिक्सेस दो दो सिक्स आने चाहिए ठीक है तो ऐसा तो एक ही बार होगा तो यहां पर आ जाएगा वन बाय थर्टी सिक्स टोटल केसेस तो इतने ही रहेंगे तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है रैंडम वेरिएबल एक्स दे रखा है उन रैंडम वेरिएबल की जो जितनी भी वैल्यूज हैं सपोज इस केस में तो थ्री वैल्यूज थी उन थ्री वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे और उन प्रोबेबिलिटीज का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को ही बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है और रेंडम वेरिएबल वो क्वेश्चन में दिया जाएगा जैसे यहां रेंडम वेरिएबल क्या था नंबर ऑफ सिक्सेस वाइल थ्रोइंग टू डाइस तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ तो रेंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यह भी एक बढ़िया क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल एक्स एज दिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज ऑफ एक्स यहां पर हमें रैंडम वेरियबल एक्स दे रखा है और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दे रखी है तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड के तो सबसे पहली बात तो ये सम ऑफ ऑल दीज प्रबिलिटीज इज इक्वल टू वन इन सभी का सम जो है वो हमें क्या मिलेगा वन मिलेगा तो यहां पर इसके सम को हम यहाँ पर पी ऑफ ऐसा लिखें शॉर्ट में अगर हम लिखें ये x1 x2 x3 ये वैल्यूज हैं और इनका जो सम है वो हमें जीरो आ, वन करना है प्रोबेबिलिटीज़ का सम वन करना है करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ का सम आ, तो खैर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम फर्स्ट के लिए आ, तो चलो लिख लेते हैं पी ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो ये मतलब है इसका p x इक्वल टू वन से लेकर के पी एक्स इक्वल टू सेवन इक्वल टू वन ये मतलब है. अब यहां पर क्या दे रखा है अगेन टू के प्लस थ्री के प्लस के स्क्वा प्लस टू के स्क्वायर प्लस सेवन के स्क्वा प्लस के अब ये जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहां से हमें के मिल जाएगा तो के, के कितने टर्म हो गए? यहां पर टेन के स्क्वायर देख रहा है के स्क्वायर, के, ये नाइन प्लस नाइन के माइनस वन इक्वल टू जीरो अब इसके फैक्टर करते हैं तो टेन के स्क्वेर प्लस टेन के माइनस के माइनस वन इक्वल टू जीरो से टेन के कॉमन तो के प्लस वन माइनस कॉमन के प्लस वन इक्वल टू जीरोक्वल टू वन बाय टेन तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया के इक्वल टू वन बाय टेन के का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि वो ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होता ही नहीं है ठीक है तो ये हमारे पास में वैल्यू ऑफ के आ गया अब जो क्वेश्चन है वो है पी एक्स लेस देन सिक्स इसको रीड करना आना चाहिए सेकंड पार्ट सेकंड है पी एक्स लेस देन सिक्स इसका मीनिंग है पी ऑफ पी of x equal to 1 to p of x equal to 5 that ye yeah. x equal to 2 p of x equal to 3 p of x equal to 4 x equal to 3 x equal to 4 P of X equal to 5. अब यहां पर इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं वन पर क्या वैल्यू था तो वन पर था के इनको यही ऐड कर लेते हैं कितना आएगा के फाइव के एट के एट के प्लस के तो ये आ गया एट के प्लस के स्क्वा और के का वैल्यू था वन बाय टेन 8 10 100, तो एट बाय टेन प्लस एटी वन बाय हंड्रेड तो सिक्स 6 और सेवन वाले केस आ जाएंगे टू के स्क्वायर प्लस सेवन के स्क्वायर में नाइन के स्क्वायर प्लस के तो थर्ड केस थर्ड क्वेश्चन पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स मीन्स पी एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू सेवन और ये हमें मिल गया था फिर से चेक कर लेते हैं नाइन के स्क्वायर प्लस के नाइन के स्क्वायर प्लस के तो नाइन बाय हंड्रेड प्लस वन बाय टेन ये हमें मिल जाएगा तो यहां से ये आ जाएगा नाइनटीन बाय हंड्रेड और लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट क्या है उसको भी देखते हैं लास्ट पार्ट है जीरो टू फाइव तो वन टू फोर फोर्थ पी एक्स जीरो टू फाइव मीन्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर यह आ जाएगा अब वन वन टू थ्री फोर पर इनकी वैल्यूज क्या है करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ वन टू थ्री फोर तक देखना है तो एट के आ जाएगा एट के एट के 8 एट बाय के कितना था हमारा वन बाय टेन तो यह आ जाएगा फोर बाय फाइव तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को हेलो स्टूडेंट्स अभी तक हमने रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें मीन हम कैसे फाइंड करेंगे वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखने वाले हैं वैसे जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जे मेंस में इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिकली इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी यूज होगा क्योंकि तो मीन और वेरिएंस ये जो टर्म्स यूज होते हैं ये स्टैटिस्टिक्स में होते हैं और स्टैटिस्टिक्स में जो मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला या डेफिनेशन होता है वो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है तो स्टार्ट करते हैं मीन <coughs> if x is a discrete random variable which assumes values x1 x2 up to xn with respective probabilities p1 p2 up to pn then mean x bar of x is defined as sabse pehle to jo random variable hai x uska uski jo values hain random variable की जो values हैं वो हैं x1, x2, x3, xn और इनकी corresponding probabilities हमें दिया हुआ है दैट इज पी वन पी टू पी थ्री अप टू पी एन अब अगर हमें मीन फाइंड करना है एक्स का तो ये फॉर्मूला होता है पी वन समेशन पी आई एक्स आई पी आई इक्वल टू वन टू एन आई इक्वल टू वन टू एन ये फॉर्मूला है समेशन पी आई एक्स आई आई इक्वल टू वन टू एन अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है जो मीन हम फाइंड करते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से सपोज एक्स वन एक्स टू एक्स एन ये जो कुछ नंबर्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं एफ वन एफ टू और यहां पर एफ एन ये फ्रीक्वेंसीज हैं और इसका अगर मीन फाइंड करना है तो इसका मीन एक्स बार क्या होता था समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई दैट इज एक्स वन एफ वन प्लस एक्स टू एफ टू एन एफ एन एन अब अगर यहां पर हम देखेंगे तो पी वन पी वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन है तो और प्रोबेबिलिटी क्या होता है फेवरेबल केस केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस तो फेवरेबल केसेस जो भी होंगे x1 के उस तो x1 उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ यानी जो फेवरेबल केसेस हैं सपोज m1 तो m1 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई और टोटल केसेस जो हैं वो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज हो गया तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको सबसे पहले तो टोटल केसेस को xn fn इसको कैपिटल n कंसिडर कर लें तो x1 कैपिटल n बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी को ही डिनोट करेगा तो यहाँ पर इस वजह से ये फॉर्मूला हमें मिलता है x बार इक्वल टू 10 टाइम pi p1 x1 plus p2 x2 अप टू pn xn बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है दी मीन ऑफ रैंडम वेरियबल एक्स इज ऑल्सो नॉन एज इट्स मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड इट इज डिनोटेड बाई ई एक्स इस तरीके से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि अभी आपको बताया इनकेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो एक बात हमने डिस्कस किया था उसी को वापस से बताया गया है कि

एफ वन अपॉन एन ये बेसिकली पी वन हो जाएगा पी वन और एफ टू अपॉन एक्स टू पी टू हो जाएगा तो इसी से हमें रैंडम वेरेबल ये तो उसी को एक्सप्लेन किया गया दस इफ वी रिप्लेस एफ आई बाई एफ आई बाई एन बाय तो ये यह यहाँ पर हमें इस तरीके से ये मिल जाता है अब आते हैं वेरिएंस वेरिएंस का भी वही फॉर्मूला है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टैटिस्टिक्स uh, में समीशन एफ आई समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क् होल डिवाइडेड बाई एन

समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एन मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज तो यहां पर भी ये वही लिखा हुआ है ठीक है पी वन इंटू अच्छा और अगर फ्रीक्वेंसीज अलग से दे रखी है हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं तो एफ आई इन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय समेशन एफ आई ये इस तरीके से हमें मिलता है तो सेम है यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला भी हमें ये ध्यान रखना है समेशन समेशन फॉर्म में ध्यान रखना है दिस थिंग इज इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई इक्वल टू वन टू एन ये होता है जस्ट हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है इसका वेरिएंस का और मीन का एक्स बार हमें पहले से मालूम है एक्स बार मीन मीन और मीन क्या था समेशन पी आए, आए। अब इसको एक दूसरे फॉर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ये जो वेरिएंस है इसको दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है उसके लिए ये जो फॉर्मूला है इसमें एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को ओपन किया तो a माइनस बी होल स्क्वायर से जब ओपन करेंगे तो ये हमें मिलेगा एक्स आई स्क्वायर माइनस टू एक्स आई एक्स बार प्लस एक्स बार होल स्क्वायर अब समेशन साइन तीनों टर्म के साथ में ले लिया तो जब तीनों टर्म के साथ में लेंगे तो यहाँ पर ये टू एक्स बार बेसिकली ये तो कांस्टेंट है ठीक है ये पी आई इससे मल्टीप्लाई हो तो ये टर्म हमें मिला अगेन ये कॉन्स्टेंट है और ये केवल समेशन पी आई रह जाएगा अब समेशन पी आई का वैल्यू क्या होगा वन तो ये वैल्यू वन रहेगा और ये ये हमारा एक्स बार है तो जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें इस तरीके से मिल जाएगा टू स्क्वायर बार ये अगेन एक्स बार हो गया और ये समेशन पी आई वन इनका डिफरेंस हमने ले लिया तो फाइनल रिजल्ट हमें ये मिलेगा वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू दिस समिशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर